हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इजीली करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड। इससे पहले हमने सेम मेथड से फेडलम इंटीग्रल इक्वेशन का किया था, तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। जनरल स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम देखेंगे कि वहां से हम कैसे मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पर। तो पहला मेथड हम लोग उठाते हैं रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड। ओके, रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड निकालने में आपको इटरेटेड कर्नल की जरूरत पड़ेगी, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ, फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दूंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। इसका अप्रोच सिमिलर टू फ्रेडलम होगा, बस आपको जो उसका इंटीग्रेशन लिमिट है उसमें फर्क करना है। दैट इज फ्रेडलम में क्या था, हमारा फिक्स था, यहाँ पे क्या होगा, कोई एक एटलीस्ट वेरी करेगा, बस इतना ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा नहीं है। ओके, तो यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। ये हमारा है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सेकेंड काइंड का जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है या फिर करेक्टरिस्टिक नंबर है, एंड के एक्स टी क्या है, कर्नल है, यूटी है अननोन, एफ एक्स है आपका फंक्शन जो दिया हुआ है, एंड यू एक्स है जो हमें फाइंड आउट करना है, जो इसके करस्पॉन्डिंग यूटी है। ओके, तो इस इंटीग्रल इक्वेशन का रिजॉल्वेंट कर्नल के मेथड से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ इसके क्या होता है। हम पहले हमें इटरेटेड कर्नल निकालना होगा। ठीक है, इटरेटेड कर्नल क्या होता है, पहले जैसे हमने डिस्कस किया था फ्रेडलम के लिए सिमिलर है, तो देखते हैं इटरेटेड कर्नल। इटरेटेड कर्नल यहां पे जो के दिया हुआ है ये आपका फर्स्ट कर्नल होगा। ठीक है, इटरेटेड कर्नल एक्चुअली होता है के एम एक्स टी इक्वल टू इंटीग्रेशन। फ्रेडलम हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो हमारा फिक्स था ए टू बी, तो ए टू बी ले रहे थे, बट इस केस में क्या लेंगे, वोल्टेरा के केस में टी टू एक्स। ठीक है, ए के एक्स एस इंटू के ऑफ एम माइनस वन, जस्ट पीछे वाला, यहाँ एम है तो एम से जस्ट पीछे वाला कौन सा होगा, एम माइनस वन वाला। ओके, एस टी डी टी, ये होता है हमारा इटरेटेड कर्नल। ओके, तो अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि हमारे इनिशियल कर्नल क्या होगा। ठीक है, तो इनिशियल कर्नल होगा आपका वेयर जो आपको इनिशियली आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आपको फर्स्ट कर्नल मान लेना है, एंड देन आपको आपको जनरल जो एमएथ निकालना है वो आप इसकी हेल्प से निकाल दोगे। एक बार आपका ए इटरेटेड कर्नल निकल गया, देन आपको रिजॉल्वमेंट कर्नल पे मूव करना है। ठीक है, रिजॉल्वमेंट कर्नल निकालने के बाद हम सोल्यूशन पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो है, ये हो गया आपको इटरेटेड कर्नल निकालना, देन रिजॉल्वमेंट कर्नल इज गिवेन एज, देन रिजॉल्वमेंट कर्नल इज गिवेन बाय। ठीक है, देन रिजॉल्वमेंट कर्नल आपका कैसे दिया हुआ है, आर जो एक्स है वो एक्स सेम टी, एंड इसमें लेमडा भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समेशन, हम ले लेंगे एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, लेमडा जो होगा उसको इन्वॉल्व करना है एम माइनस वन, और जो आपने इटरेटेड कर्नल निकाला था के एम एक्स टी उसको रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ए हमारा होता है रिजॉल्वमेंट कर्नल। ठीक है, अच्छा जब हम रिजॉल्वमेंट कर्नल निकाल लिए, तो रिजॉल्वमेंट कर्नल की हेल्प से हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो स्टेप, ज्यादा आपका टाइम नहीं लिया है। पहला स्टेप में हमने इटरेटेड कर्नल निकाला, दूसरा स्टेप में हमने रिजॉल्वमेंट कर्नल निकाला, अब तीसरा स्टेप में इस रिजॉल्वमेंट कर्नल के हेल्प से हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। बस आपको एग्जाम में यही तीन स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, देन सॉल्यूशन ऑफ, इसको कुछ इक्वेशन नंबर दे देते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड का दिया है, इस इक्वेशन का हम लोग इक्वेशन नंबर स्टार दे रहे हैं। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके इसको। देन सोल्यूशन ऑफ स्टार, देन सोल्यूशन ऑफ स्टार इज गिवेन बाई
कैसे दिया हुआ है, डायरेक्टली हम देखते हैं u x, आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, f x प्लस लेमडा टाइम, इंटीग्रेशन लिमिट था आपका a टू x, a आई जी आ जाएगा। अब जो आपने रिजोल्वमेंट करना ले कैलकुलेट किया था उसको यहां पे रख दीजिए, r x t और लेमडा, a कैलकुलेट किया था जिसको n साथ में f t dt, तो a आपका हो जाता है सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी यूनियन। बस आपको यही तीन स्टेप करना है एग्जाम में, ये आपका कंक्लूजन है पूरे थ्योरी का जो भी आप इंटीग्रल इक्वेशन में पढ़ेंगे कि रिजॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से किस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई होप ये चीज सबको क्लियर होगा। ओके ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझते हैं इसका कि ये मेथड कैसे वर्क करता है। फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ यू वी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस log 2 to x e to t minus x ut dt। ओके, आपको इसका रिजोल्वमेंट कर्नल निकालना है। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं यहाँ पे क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए एफ एक्स रहा, ए आपका कर्नल जो के एक्स टी मान रहे थे जो इसकी हेल्प से हमें इटरेटेड कर्नल निकालना था, और ये इंटीग्रेशन लिमिट रह गया। तो बाकी सारी चीज उन्होंने यहाँ पे देखिए एक वेरी करामी से वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करिए, एंड देन सोल्व करने के बाद मेरे सोल्यूशन से आप मैच करिएगा। ओके, मैं ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आप ऑप्शन से मैच कर लेना कौन सा ट्रू होगा। कॉस एक्स माइनस टी, सेकेंड हो जाएगा आपका वन, थर्ड हो जाएगा ई टू टी माइनस एक्स, और फोर्थ हो जाएगा आपका ई टू टू टाइम्स टी माइनस एक्स। ओके ओके, तो चलिए मैं सोल्व करवाता हूं और आप लोग साथ साथ देखते जाइए कि आपने, अगर आपका सही आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देखते हैं। बिल्कुल सही आपका फर्स्ट सेकंड ट्रू है इसका। ठीक है, वन होगा करेक्ट आंसर। कैसे देखते हैं, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे कि हमें गिवेन क्या है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप से आता है, चाहे आप नेट का कर रहे हो, चाहे सेट का कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का कर रहे हो, ये गेट में अब नहीं आता है, पहले आता था। यहाँ पे कर्नल हमें क्या दिया हुआ है, के एक्स टी देखे तो हमें दिया हुआ है ई टू टी माइनस एक्स, और वो इंटीग्रल इक्वेशन कौन सा है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। क्लियर, ओके इतना तक दिया हुआ है। तो चलिए हम इटरेटेड कर्नल निकालते हैं। इटरेटेड कर्नल का फॉर्मूला आपको याद होगा ही, नहीं होगा तो यहां से प्रॉब्लम करने में हमें याद हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा के एम एक्स टी टी टू एक्स के एक्स एस इंटू के एम माइनस वन एस टी इंटीग्रेशन डी एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला था यहाँ पे डीएस था। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में रिजोल्वमेंट निकालना था, और थर्ड स्टेप में हमारा सोल्यूशन आ रहा था। तो यही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे वन बाई वन। अब यहाँ से हमारा के वन क्या हो जाएगा, के वन जो के टी दिया हुआ एजिट हो जाएगा। अब क्या करिए आप, इस फॉर्मूले में के एक्सएस और के एम माइनस वन रखे, तब हमें फर्स्ट हमें पता चल गया कि फर्स्ट हमारा हो जाएगा ए टू टी माइनस एक्स। ओके, अब हमें नेक्स्ट निकालना है तो एम के जगह टू रख दीजिए, तो टू रखेंगे तो ए वाला तो हमारा फिक्स है, तो ए फिक्स है, तो इसके जगह पे आप क्या करेगा, टी की जगह एस बदल रख दीजिए और एक्स की जगह एज इट रहने देना, तो ए हो जाएगा ए टू दी पावर एस माइनस एक्स। एंड इसमें क्या करना है आपको, जो के वन वाला रखना है, के वन क्या है, के ही है, तो आपको टी की जगह टी ही रहने देना, एक्स की जगह एस रख देना है। ठीक है, तो मैंने रख दिया, रखने के बाद ये बन गया ए टू एस माइनस एक्स एंड ए टू टी माइनस एस। ओके, देन आफ्टर इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो एस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको टी माइनस एक्स और ए डी एस बनेगा। ठीक है, अब इसका एस के रेस्पेक्ट में ये देखे, दोनों टी और एक्स एक्स से फ्री है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस एक्स तो बाहर बच जाएगा, और ए हो जाएगा एस, एस का कहां से कहां लिमिट है, टी से एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस टी इंटू ए टू टी माइनस एक्स। अब आपको फिर से यही एक्टिविटी करना है। ठीक है, इसमें आपका एक साथ दोनों काम हो जाएगा, इटरेटेड में इटरेटेड कर्नल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा एंड रिजोल्वेंट कर्नल का भी। तो आप थर्ड वन निकालिए क्विकली, बस वही होगा, आपको रखते जाना है, करते जाना है फटाफट। टी से एक्स हमने लेना है, पहला कर्नल फिक्स है तो एजिट हो जाएगा ई टू एस माइनस एक्स। ठीक है, इसके जगह ए वाला कर्नल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ला के यहां पर रखिए, तो क्या होगा, आपको क्या करना है, जहां पे एक्स है वहां पे एस रख दीजिए और टी की जगह टी ही रहने देना है। ए हो जाएगा
एस माइनस टी ई टू टी माइनस एस डी एस, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, ई टू टी माइनस एस और एस एस कैंसिल हो जाएगा तो टी माइनस एक्स फिर से बचेगा, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, ये अंदर बचेगा एस माइनस टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, लिमिट क्या होगा टी टू एक्स, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा दे देगा ई टू टी माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन में टू फैक्टोरियल, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी को अब हमें ज्यादा नहीं बढ़ना है, आप इस तक एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है, अगर पैटर्न मिल गया तो आप क्विकली इसको डॉट 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 इस टाइप से लगा के लिख सकते हैं। आपको एमएथ निकालना था ना के एम क्या होगा, तो के एम आप इसके बेस पे बता सकते हैं क्या होगा। देखिए थ्री था तो टू था, तो ए वाला हर बार सिंगल ही बाहर आ रहा है, तो इसको सिंगल बाहर रख दीजिए ई टू टी माइनस एक्स। वन टू के लिए वन हो रहा था, थ्री के लिए टू हो रहा है, तो एम के लिए क्या होगा एम माइनस वन होगा, दैट इज एक्स माइनस टी था ना, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स माइनस टी का पावर एम माइनस वन अपॉन में एम माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हमें पता चल गया इटरेटेड कर्नल। अब इटरेटेड कर्नल पता चलते ही हमें क्या निकालना है, रिजोल्वमेंट कर्नल सेकेंड स्टेप करना है, तो सेकेंड स्टेप हम लोग करते हैं क्विकली। रिजोल्वमेंट कर्नल क्या था आपका आर एक्स टी लेमडा था, ठीक है, दैट इज आपका ए क्या हो जाएगा आर एक्स टी लेमडा, ए इक्वल टू हो जाएगा समेसन एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ओके, लेमडा टू द पावर एम माइनस वन के एम एक्स माइनस टी। थर्ड स्टेप में हमने सेकेंड स्टेप में यही लिखा था, अब बस पुट कर दीजिए यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे हम रख देंगे। अच्छा क्वेश्चन में आपका लेमडा की जगह कुछ नहीं है, तो लेमडा की जगह वन है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब वन। और यहाँ पे एक बार रखते हैं, ये रखेंगे ई टू टी माइनस एक्स एक्स माइनस टी टू दी पावर एम माइनस वन, और ये हो जाएगा एम माइनस वन फैक्टोरियल, ओके, एम बराबर वन टू इन्फिनिटी था। इस क्वेश्चन में देखिए ए ई के पावर जो समथिंग है वो क्या है आपका एम से फ्री है, तो इस समेशन में तो पार्ट लेगा नहीं, तो इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, ए टी माइनस एक्स हो जाएगा और हमारा ए बच गया एम बराबर वन टू इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा एक्स माइनस टी टू दी पावर एम माइनस वन अपन में एम माइनस वन टू दी फैक्टोरियल। और ये किसका फॉर्मूला है आपको एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा होगा, ओके, तो इस सॉल्व करते हैं, बाहर वाला हो जाएगा ई टू टी माइनस एक्स, और ये किसका हो गया ई टू एक्स माइनस टी का हो जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस टी का, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका वन दे देगा, ठीक है। तो यहां से आपका निकल गया रिजोल्वमेंट कर्नल वन, तो हम यहाँ पे रिजोल्वमेंट कर्नल ही बताना था ना कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो बस निकल गया। तो अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, तो जिनका वन आया है उनका ट्रू है, और जिनका वन नहीं आया है तो आपको एक बार कैलकुलेशन देखने की जरूरत है कि कैलकुलेशन गलत तो नहीं है कहीं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी ट्रू होगा, ओके। तो ए मेथड हो गया आपका रिजोल्वमेंट कर्नल वाला मेथड। अब इसको अगर सोल्यूशन निकालना है तो जो बस बताया था वैसे फॉलो कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, ओके, तो मूव करते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड पे। इस पे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार फ्रेडलम का रिकॉल करवा देते हैं कि फ्रेडलम में क्या था, अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे वर्क करता था, ठीक है। आपको याद होते हैं सेकंड और काइंड का जो फ्रेडलम इक्वेशन था कुछ इस टाइप का था, यहाँ पे कर्नल हमारा ए चीज था और इसका पहचानने का तरीका था कि ए लिमिट दोनों फिक्स था, ओके। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन में हम क्या कर रहे थे, जो इनिशियल सोल्यूशन होता था इसको हम लोग फर्स्ट इनिशियल सोल्यूशन मान लेते थे या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मानते थे, ठीक है। उसके बाद अब वहां से हम जनरेट कुछ इसवे में करते थे, यहाँ पे मैंने शेपका एरो मार के दिखाया होगा लास्ट वाला वीडियो याद हो आपको तो, ओके। तो यहाँ पे क्या किया था, जो ये था अब हम नेक्स्ट कुछ इसवे में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी कर्नल। अब जो यहाँ पे वाई वन होगा वो जो जस्ट पहले वाला निकला है वो वाला यूज करेगा, इसी को हमें रिकर्सिवली यूज करना है, ठीक है। तो जब हम थर्ड निकालेंगे तो क्या करेंगे वाई टू एक्स हो जाएगा दिस दिस दिस, और इसके जगह पे हम फिर वन कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट निकालेंगे तो यहाँ पे टू होगा, फिर थ्री होगा, या अभी यही करते जाना है। तो इस तरह से करके हमें एनएथ निकाल लेना है, दैट इज वाई एन एक्स। तो वाई एन एक्स क्या होगा, इस टाइप से कुछ हमने सोल्व करके निकाल लिया, ये हमारा बन गया, ओके। अब यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो जो मिलेगा वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन। और सेम काम हमें करना है वोल्टेरा के लिए, बस आपका ये इंटीग्रेशन लिमिट बदल जाएगा, यही चीज है।
एक लाइन भी नया नहीं है, ठीक है। तो रिकॉल करते हैं एक बार, यही हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन था सेकंड काइंड का, ठीक है। अब इसका अप्रोक्सीमेशन मेथड से सोल्व कैसे करेंगे, आपको इसको फर्स्ट सोल्यूशन मान लेना है या फिर इनिशियल सोल्यूशन, दैट इज वाई एन एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एक्स, ओके। पहला पता चल गया, और जैसे पिछला फॉर्मूला में कर रहे थे यहां पे बदल बदल के बस ए टू जेड वही काम करना है, वही आपका हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अभी फर्स्ट निकल गया ना, अब सेकेंड इसके जगह आप जो प्रीवियस निकला हुआ है ए वाई टू हो जाएगा आपका इस टाइप का। तो मैंने वर्किंग मेथड लिख दिया है ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे प्रैक्टिस करने में। वही चीज आपका ये फर्स्ट हमें ले लेना, टेक इनिशियल दिस इनिशियल इफेक्ट ले लिया फर्स्ट सोल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सोल्यूशन हमारे वही रहेगा सब कुछ। अब वहां पे क्या हो रहा था, फ्रेडलम के केस में ये दोनों फिक्स रहता था, बट यहाँ पे हमारे क्या दिया हुआ ए टू एक्स दिया हुआ ना, तो यहाँ पे हम ए टू एक्स मान लेंगे, ओके। कर्नल वेजिट रहेगा। अब यहाँ पे जो प्रीवियस सोल्यूशन आपने ऑप्टेन किया हुआ है उस चीज को पुट कर देना है, तो ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन दे देगा। अब इसी तरह फिर मुझे ए वाई टू निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस में क्या निकला था वाई वन था, इसका यूज करना है। तो कैसे, फॉर्मूला में सब कुछ एज इट रहेगा, आपको बस इसको इसके जगह पे पुट कर देना है, ठीक है। पहले वाई जीरो था वाई वन था, अब हमें थर्ड निकालना होगा, तो थर्ड के जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे टू कर देंगे, ठीक है। अभी करते जाएंगे फिर, मतलब दो तीन हमें टू या थ्री तक करना होता है, इसके बाद हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे, तो हमें वाई एन निकल जाएगा, तो एन का एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जो मिलेगा वाई एक्स, वही हमारा अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन होगा यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो बस इसका इतना ही था, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है वाई एन एक्स इक्वल टू दिस दिस, ओके। यहाँ पे जस्ट पीछे वाला लेना है नेक्स्ट निकालने के लिए, और इस पे आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ठीक है, ए ले लेंगे तो ए आपका सोल्यूशन दे देगा, और यही होता है अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन, ठीक है। हम वोल्टेरा का कर रहे हैं तो वोल्टेरा के लिए स्टेप्स हो गया, फ्रेडलम में क्या था, बस यहाँ ए टू बी हो जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। तो आई होप ये थ्योरी क्लियर होगा, तो इस टाइप का हमने थ्योरी कवर कर लिया, आपको सिलेबस डिस्प्ले कर दे रहा हूं मैं, आपको मैं सिलेबस डिस्प्ले कर दे रहा हूं, यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा, ये रहा ए है सीएसआईआर नेट का सिलेबस। तो हमने सारा टॉपिक कवर कर दिया, और एक करेक्टरिस्टिक नंबर लिख रहा, मतलब जो लैम्डा है वो, और आइगन फंक्शन मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन निकलता है, तो ए वाला एक मेथड बच रहा है, तो बहुत ही इजी है, बाकी सब ने हमने करवा दिया है। तो एक का लेक्चर और आपका लगेगा, तो उसमें ए बाकी टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसी तरह 5 से 6 लेक्चर में कैलकुलस और वेरिएशन भी कवर कर देंगे, तो इसका लगभग हो रखा है, एक का दो टॉपिक बाकी है, तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड कर देंगे। अच्छा, इसमें इंटीग्रल इक्वेशन में हम लोग सीएसआईआर नेट के पीछे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन कोशिश करेंगे कवर करने का, तो देखते हैं, ओके। तो उस कंसेप्ट बेस्ड हम मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, सेम कंसेप्ट है। आपको यहाँ पे देखिए 0 to x है, मतलब इसे हमें पहचान में आ गया कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, और इस टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट 1 है, अतः सेकंड काइंड का हो गया। तो इसका अप्रोक्सीमेशन मेथड से आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, या फिर अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का। बहुत ईजी है मेथड, आपने देखा है, इनिशियल किसको मानेंगे, इस फर्स्ट को इनिशियल मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट के इनिशियल मानने के बाद आप जो अप्रोक्सीमेशन है बस फॉर्मूला लगाता जाइए, और एनएथ निकाल के, एनएथ निकालने के बाद एन टेंस टू इन्फिनिटी पे निकाल लीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा, ओके। आपका इंटीग्रल इक्वेशन का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, ओके। थैंक यू।